आज के जमाने में सोशल मीडिया पर वायरल होने का लोग मौका ढूंढते हैं। तरीके चाहे सही हो या गलत, वायरल होने का नशा लोगों पर इस कदर सवार है कि कोई कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। कई बार तो इसके लिए लोग कानून हाथ में लेने से पीछे नहीं हटते। ऐसा ही कुछ हुआ जहानाबाद में, जहां कार की बोनट पर चढ़कर पिस्तौल से केक काटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक स्कॉर्पियो गाड़ी के बोनट पर चढ़कर कट्टे से केक काट रहा है। वो पिस्टल से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन केक काट रहा है। इस दौरान लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी जमा थी। उसी भीड़ से किसी ने इस घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सार्वजनिक जगहों पर अवैध या लाइसेंसी हथियार का प्रदर्शन करना, लहराना या उससे हर्ष फायरिंग करने पर रोक है। इसके बाद भी लोग आए दिन कानून को ताक पर रखकर हथियार लहराते हैं। हर्ष फायरिंग करते हैं। बिहार में हर साल हर्ष फायरिंग से दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो ये बात सामने आई कि केक काट रहा युवक काको थाना के काको काली स्थान के पास रहने वाले धर्मेंद्र दास का बेटा मनीष कुमार है। पुलिस युवक पर कोई बड़ा एक्शन लेती इससे पहले ही एक बड़ा खुलासा हो गया, यानी कहानी में एक ट्विस्ट। पुलिस की जांच में पता चला कि मनीष वीडियो में जिस हथियार से केक काट रहा है, असल में वो तो एक टॉय एयर पिस्टल है। उस टॉय एयर पिस्टल से जान माल की क्षति नहीं हो सकती। सबूत के तौर पर उस टॉय एयर पिस्टल को पुलिस ने कब्जे में ले लिया, उस पर भी टॉय एयर पिस्टल लिखा हुआ है। इसके साथ ही जहानाबाद पुलिस ने टॉय एयर पिस्टल का फोटो भी जारी किया। दरअसल बिहार में शादी विवाह और जन्मदिन के मौके पर खूब हर्ष फायरिंग होती है, तो शायद युवक ने टशन दिखाने के लिए टॉय गन से धमाका करने की सोची, लेकिन वो वायरल होने के साथ ही फंस भी गया और झूठी शान दिखाने का उसका सारा शौक धरा का धरा रह गया।